ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेट करने के बारे में जानेंगे। ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेट करने पर जब आप पोर्टल से जो आपको ईवे बिल नंबर मिलेगा वो भी ऑटोमेटिकली वाउचर्स में अपडेट हो जाएगा। इससे पहले जो हमारा मैनुअल वे था ईवे बिल जनरेट करने का, थोड़ा सा टाइम टेकिंग एंड टीडियस प्रोसेस था, जिसमें कि आपको जेसन फाइल जनरेट करनी पड़ती थी, उसे आप पोर्टल पे अपलोड करते थे एंड देन जो ईवे बिल नंबर जनरेट होता था उसे वापस वाउचर में अपडेट करते थे। ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन से एकदम क्विकली एंड सिंपली आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं एंड जो भी ईवे बिल नंबर जनरेट होगा वो भी वाउचर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यह फीचर केवल स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज एडिशन में अवेलेबल है एंड वह भी तब जब आपके पास एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन है, यानी कि स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज एडिशन में यदि आप काम कर रहे हैं विद एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन तो आप ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन फीचर यूज कर सकते हैं एंड एकदम क्विकली अपने ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, जीएसटी वैट टैब में गए। यहाँ पे ईवे बिल रिक्वायर्ड फील्ड में ये स्पेसिफाई किया एंड कॉन्फ़िगर बटन क्लिक किया। कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करते ही ईवे बिल कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है एनेबल ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल, इसमें आप ये स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद ईवे बिल जीएसपी यूजर आईडी एंड ईवे बिल जीएसपी पासवर्ड, ये दोनों ही आप गवर्नमेंट के पोर्टल ewebill.nic.in से जनरेट करेंगे। ध्यान रहे ewebill.nic.in पे जब आप लॉगिन करते हैं जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप बताते हैं वो आपका जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, ये बिल्कुल ही सेपरेट है, इसे हम जनरेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि कैसे आप जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम वेबसाइट ewebill.nic.in पे गए, लॉगिन किया, अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बताई। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में फॉर जीएसपी ऑप्शन में हम गए। यहाँ पे पोर्टल ने शो कर दिया आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है जो यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही है, इन पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। देखिए यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, ओके बटन प्रेस करिए एंड जो भी आपको ओटीपी रिसीव हुआ है वो यहाँ पे एंटर कीजिए एंड वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट आपकी रजिस्टर योर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर ये स्क्रीन नजर आएगी, इसमें एड न्यू बटन पे आप क्लिक करें। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है जीएसपी नेम की। काफी सारी ऑप्शंस इस लिस्ट में नजर आ रही हैं। आपको यहाँ पे वेप्टल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे वेप्टल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन को ही आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यूजर नेम एंड पासवर्ड आप बताएंगे, जो भी आप जीएसपी यूजर नेम बताना चाहते हैं वो बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे, री एंटर करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड कन्फर्म करने के लिए एंड देन एड बटन आप क्लिक करेंगे अपना जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। ये जो जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने बताया है ये अब आप बिजी में वापस अपडेट करेंगे। देखिए स्क्रीन पे आ गया लिस्ट ऑफ जीएसपी रजिस्टर्ड, इसमें जीएसपी नेम, वेप्टल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, आपका जीएसटीआईएन, यूजर नेम, स्टेटस, रजिस्टर्ड बाय, सारी डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं। तो ये जो आपका जीएसपी जो है अब रजिस्टर हो गया है तो जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने स्पेसिफाई किया था वो अब बिजी में आप स्पेसिफाई करेंगे ईवे बिल जीएसपी यूजर आईडी में एंड ईवे बिल जीएसपी पासवर्ड में, ये दोनों ही डिटेल्स आप स्पेसिफाई करेंगे ऑटोमेटिकली ईवे बिल जनरेशन को कन्फिगर करने के लिए एंड ओके बटन प्रेस करेंगे इस कन्फिग्रेशन को सेव करने के लिए। बहुत ही सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको बताना है, दैट्स इट। अब हम अपना वाउचर एंटर करेंगे। इसके लिए हम ट्रांजैक्शन, सेल्स, ऐड ऑप्शन में गए, सेल्स वाउचर हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, आइटम डिटेल्स बताई, बिल सेंड्री आपने बताई, सेव बटन प्रेस किया तो देखिए ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो यहाँ अपीयर हो गई। इसमें आप अपने ट्रांसपोर्ट से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे, ट्रांसपोर्टर नेम, GRRR नंबर, व्हीकल नंबर, स्टेशन टू प्लेस की कहाँ पे आपको ये गुड्स डिलीवर करने हैं, ये सारी डिटेल्स आप बताएंगे। ईवे बिल नंबर की डिटेल यहाँ पे ब्लैंक रहेगी एंड ओके बटन प्रेस करेंगे आप इस ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो में जो भी डेटा है उसे सेव करने के लिए। नेक्स्ट बिजी ने आपसे पूछा ऑटो जनरेट ईवे बिल, जनरेट ईवे बिल फाइल, यस बटन क्लिक कीजिए एंड देखिए एक मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ जनरेट ईवे बिल, इसमें आप ऑटोमेटिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक लेबल भी अपीयर हो रहा है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विद ऑटोमेटिक ऑप्शन जनरेट जेसन फाइल एंड अपलोड टू पोर्टल। इन केस कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिक ऑप्शन यूज करके ईवे बिल जनरेट करने में, वैसे बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा, लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम आती है नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से या फॉर एनी रीजन, तो आप यहाँ पे जेसन बटन को क्लिक करके जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसे देन आप पोर्टल पे अपलोड करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर हुई जिसमें कुछ डिटेल्स आप फिल करेंगे एंड ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करते ही ऑटोमेटिक ईवे बिल जनरेशन मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ जिसमें दो ऑप्शंस है, चेक पॉसिबल एरर एंड व्यू एंड जनरेट ईवे बिल। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले एरर्स चेक कर लीजिए कि आपके डेटा में या वाउचर में कोई एरर्स तो नहीं है। आप इस बटन पे क्लिक करिए एंड बिजी आपको लिस्ट शो कर देगा यदि उसमें कोई एरर होगा एंड इनवैलिड डेटा फाउंड कॉलम में आपको रीजन भी नजर आ जाएगा। ब्लैंक आई है रिपोर्ट, दैट मींस आपके डेटा में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है डेटा। इसके बाद आप व्यू एंड जनरेट ईवे बिल बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ईवे बिल डिटेल्स विंडो, आप इसे एक बार देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सप्लायर डिटेल्स, रिसीवर डिटेल्स करेक्ट है। एंड बॉटम में जनरेट ईवे बिल बटन को क्लिक करेंगे ईवे बिल जनरेट करने के लिए। देखिए ईवे बिल नंबर जनरेटेड आपका मैसेज बॉक्स स्क्रीन पे आ गया, इसमें ईवे बिल नंबर भी है, यही नंबर ऑटोमेटिकली इस वाउचर में अपडेट हो जाएगा। ईवे बिल जनरेट होने के बाद बिजी ने पूछा कि आप ईवे बिल प्रिंट करना चाहते हैं, यस बटन आप प्रेस करेंगे तो देखिए ये एक मैसेज आ गया कि ईवे बिल प्रिंटिंग के लिए एक अलग से सेटअप रिक्वायर्ड है, क्या आप वो डाउनलोड करना चाहेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम इस कंप्यूटर पे ईवे बिल प्रिंट कर रहे हैं तो ये मैसेज आएगा आपको सेटअप डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप बात बताएंगे कहाँ पे आप सेटअप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं और ये जो सेटअप है ईवे बिल प्रिंटिंग का आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो गया। इस पाथ पे आप जाएंगे जो पाथ आपने स्पेसिफाई किया था और इस यूटिलिटी को, इस सेटअप को आप जो है अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। वंस ये सेटअप जो है ईवे बिल प्रिंटिंग का इंस्टॉल हो गया उसके बाद आप ईवे बिल प्रिंट कर सकते हैं। ये एक वन टाइम प्रोसेस है, यानी कि हर कंप्यूटर पे आपको ईवे बिल प्रिंटिंग के लिए सेटअप जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख सकते हैं, ये सेटअप जो है इंस्टॉल हो गया। अब हम अगेन बिजी में गए, वाउचर को हमने मॉडिफाई मोड में खोला, सेव किया इस वाउचर को, तो ये देखिए ईवे बिल नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली बिजी ने पूछा डू यू वांट टू प्रिंट ईवे बिल एंड ये ईवे बिल प्रिंट करने की स्क्रीन नजर आ गई। एक कैप्चा, एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है, वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए और ये देखिए ईवे बिल आपका प्रिंट हो गया, उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि प्रिंट बटन बिल्कुल बॉटम में है, एट अ फर्स्ट गो एकदम आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको प्रिंट बटन नजर नहीं आएगा। जब आप इस फॉर्म को, इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम में प्रिंट बटन है जिसे यूज करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप सेल्स इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो अगेन बिजी ने पूछा, ये हमने सेल्स इनवॉइस प्रिंट किया और इसमें भी ईवे बिल नंबर नजर आ रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल वाउचर्स को आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्रांजैक्शंस में, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में, ईवे बिल मैनेजमेंट में गए। यहाँ पे हमने जनरेट ईवे बिल ऑप्शन को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद हमने ऑटोमेटिक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया। ऑटोमेटिक ऑप्शन को क्लिक करने पर ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इसमें स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट आप बताएंगे। किसी पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर्स के वाउचर्स देखना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सक्लूड वाउचर्स ऑलरेडी हैविंग ईवे बिल नंबर, यानी कि जिन वाउचर्स में ऑलरेडी ईवे बिल नंबर है क्या आप उन्हें एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप एनेबल कर सकते हैं। लोड बटन क्लिक करते ही ये वाउचर्स आपको नजर आ गए। बॉटम में बटन है अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स और इस तरीके से और बटन है, तो फर्स्ट अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स बटन को हम क्लिक करते हैं इस वाउचर में ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को अपडेट करने के लिए, यानी कि जो वाउचर आपने सिलेक्ट किया है उसकी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स इस बटन को यूज करके आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद है चेक ईवे बिल डिटेल्स, इस बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ईवे बिल डिटेल्स आपकी सही हैं, कोई एरर तो नहीं है इसमें। देखिए इनवैलिड डेटा फाउंड कॉलम जो है ब्लैंक आ रहा है, यानी कि ये डेटा परफेक्टली फाइन है। अगर कोई डेटा में एरर होता तो वो रेड कलर में होता। इसके बाद ऑप्शन है जनरेट ईवे बिल नंबर, यानी कि ईवे बिल नंबर आपको जनरेट करना है। आप सारी डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे, आप पॉसिबल एरर्स चेक कर सकते हैं, हालांकि हमने चेक कर ली थी, एंड उसके बाद आप प्रोसीड विद फाइल जनरेशन बटन को क्लिक करेंगे ईवे बिल नंबर जनरेट करने के लिए और ये देखिए ईवे बिल नंबर आपका जनरेट हो गया। इसके बाद आप प्रिंट ईवे बिल नंबर बटन को यूज कर सकते हैं ईवे बिल नंबर प्रिंट करने के लिए। देखिए इस कंप्यूटर पे हमने ईवे बिल प्रिंटिंग का जो सेटअप है इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे हमने टेक्स्ट एंटर किया, कैप्चा एंटर किया और ईवे बिल जो है प्रिंट हो गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरे वाउचर के लिए भी हमने इसे प्रिंट किया। यहाँ पे अगेन ध्यान रहे प्रिंट बटन एकदम बॉटम में है, आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रिंट बटन नजर आ जाएगा। इसके अलावा आप प्रिंट इनवॉइस भी कर सकते हैं, यानी कि सेल्स इनवॉइस को भी आप प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने दोनों ही चीज़ें देखी कि आप वाउचर के साथ भी ईवे बिल प्रिंट कर सकते हैं या मल्टीपल वाउचर्स को वन गो में भी उनके लिए ईवे बिल प्रिंट कर सकते हैं, सेल्स इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली ईवे बिल जनरेट कर पाएंगे, ईवे बिल प्रिंट कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।